जनाब, आप सब आई होप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखो, जो लॉन्चर के पार्ट्स है ना दोस्तों, देखो ये रखे हुए हैं बीच में, ये अब लॉन्चर को यहां उतारा जा रहा है क्योंकि एक लॉन्चर उधर लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और ये है शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन, दिखाएंगे तो चल के आप सभी को ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन। दोस्तों देखो यहाँ पर ये काम चल रहा है, इधर भी अभी फाउंडेशन बनाने के बाद में अब इस पर एंटी एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा। और इधर भी देखो काम किया जा रहा है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या काम किया किया जा रहा है। दोस्तों देखो ये जोड़ने का काम किया जा रहा है शताब्दी नगर के स्टेशन को। दोस्तों देखो यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, आप सभी को आगे से दिखाते हैं। देखो यहाँ पर शटरिंग लगी थी, अब शटरिंग को निकाला गया है क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैप को बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरठ मेट्रो भी यहाँ से दौड़ेगी दोस्तों और रैपिड एक्स भी दौड़ेगी, तो दोनों ही यहाँ से जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ये बीम डाल के दोस्तों, और फिर इनको जोड़ने का काम किया जाएगा, फिर इसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा। कुछ ऐसा स्टेशन है देखो शताब्दी नगर का। दोस्तों देखो सामने से ये सूरज पड़ रहा है दोस्तों, और लॉन्चर बीच में ही है, उसको उतारने का काम किया जा रहा है। दोस्तों एक ट्रैक ये होगा, एक बीच में होगा, एक उधर होगा, क्योंकि इस पर मेरठ मेट्रो रुकेगी दोस्तों, नहीं मेरठ मेट्रो भी रुकेगी और इस पर RRTS भी रुकेगी। दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पी संत के चैनल पर। दोस्तों के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों देखो अभी इधर भी जोड़े जाएंगे, इससे भी इधर भी जोड़ा जाएगा, इधर भी जोड़ा जाएगा क्योंकि स्टेशन को चौड़ा किया जाएगा। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चले क्या ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पर ये पिलर भरने का काम किया जा रहा है, अभी ऊंचा उठाया गया है, और देखो यहाँ पर ये बीम डाल के अब इनको दोनों साइड से जोड़ने का काम किया जाएगा। देखो जैसे ये जोड़े गए हैं, देखो यहाँ पर भी ये डिवाइडर बना लिए जा चुके हैं दोस्तों। देखो अब इसमें मिट्टी भरी जाएगी और इसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर पैराफिट वॉल भी लगा लिए जा चुके हैं, इस पर रेलिंग भी लगाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे, उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों OHE वायर का काम किया जाएगा। तो अभी तो ट्रैक स्लैब भी डाले जाने हैं, अभी ट्रैक बिछाने का ही काम किया जाना है दोस्तों। ब्रह्मापुरी RRTS स्टेशन से पहले देखो दोस्तों ये
लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी विशाल लॉन्चर है दोस्तों। बायोडक्ट को जोड़ता हुआ है, बढ़ रहा है ब्रह्मपुरी स्टेशन के लिए दोस्तों। देखो यहाँ पर डबल पिलर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्पेस था नहीं और बीच में आ रहा है दोस्तों क्या ROB ओवर ब्रिज, इसी वजह से यहाँ पर डबल पिलर दिए गए हैं दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। अब देखो लॉन्चर और साइड में ये गाटर, इनको सबको जोड़ने का काम किया जाना है दोस्तों। और यह है ब्रह्मपुरी RRTS का स्टेशन, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरठ मेट्रो ही रुकेगी, RRTS रैपिड एक्स नहीं रुकेगी दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, दोनों साइड के ये बना लिए जा चुके हैं और बीच का बनाया जाएगा किसके लिए, रैपिड एक्स के लिए। रैपिड एक्स की लाइन बनाई जाएगी बीच वाले में और साइडों में रहेगी दोस्तों मेरठ मेट्रो की लाइन, यानी कि इस पिलर के ऊपर रहेगी मेरठ मेट्रो की लाइन है और जो बीच का पिलर है इस पर रहेगी दोस्तों RRTS की लाइन। अब देख सकते हो बीम डाल के और दोनों पिलरों से जोड़ने का काम करने का काम किया जा रहा है इस पे दोस्तों। यहाँ पे ब्रह्मपुरी RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, देखो दोस्तों यह है ब्रह्मपुरी RRTS का स्टेशन। तस्वीरें देख सकते हो, इस पे कौन कौन से लेवल अभी बनाया जाएगा, अभी नहीं बना है प्लेटफॉर्म लेवल के लिए। देखो जो ऊपर का बायोडक्ट है वो जोड़ने का काम किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। और इधर ये दोस्तों यहाँ पर लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा, जो कि बायोडक्ट को जोड़ रहा है दोस्तों। और यहाँ से ये लाइन अंडरग्राउंड होती चली जाएगी। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये पिलर छोटे होते चले जाएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे ये सेफ्टी वायर भी भाई साहब डाल देते हैं जब ये बायोडक्ट को जोड़ता है ये लॉन्चर, बिल्कुल मजबूत होने के बाद में। देखो अब ये देखो ये लास्ट पिलर है और यहीं पर लॉन्चर लगाया गया था पहली बार जब ये बायोडक्ट को जोड़ा जा रहा था। अब ये यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाती है दोस्तों, अब ये ज़मीन के अंदर रहेगी। और इस पर देखो सरियों का जाल बना लिया पैरा फिटबॉल के लिए, अब इस पर कॉन्क्रीट भरा जाएगा दोस्तों। देखो मसाला भरा जाएगा, फिर ये बिल्कुल अंदर होती चली गई है, पाई सब 100 फीट नीचे है ज़मीन के अंदर दोस्तों। देखो आप लोग ये तो साइडों की बाल बनाई गई है। जो अंडरग्राउंड टनल का काम कर रही है दोस्तों वो है कंपनी एफकॉन्स। देखो सारा ही बना दिया जा चुका है दोस्तों। नहीं आगे से ही है, देखो ये बनाई जा रही है टनल दोस्तों। हाँ भाई हाँ यहीं से यहीं से इधर से इधर से ये है देखो विशाल टनल, यहीं पर रोकना कुछ दिखाई देगा थोड़ा बहुत। देखो दोस्तों ये बनाई जा रही है टनल वहाँ तब अंडरग्राउंड। देखो अब इसकी मिट्टी निकालने का काम किया जाएगा। देखो ये JCB लगा हुआ है, देखो किस तरीके से यहाँ पर टनल बनाई जा रही है वहाँ तब 80 फीट नीचे। देखो ये बनाई जा रही है टनल दोस्तों, देखो आप लोग। देखो जमीन के अंदर भाई साहब टनल, यहीं पर रोके साला छेद है यहाँ पे। हाँ है
रोक लही। देखो ये है अंडरग्राउंड टनल का जो काम चल रहा है दोस्तों, देखो 80 फीट नीचे, और देखो फाउंडेशन बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा ऊपर की साइड में दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर टनल बनाई जा रही है, तस्वीरें देख सकते हो। ये मेरठ सेंट्रल के अंदर का नज़ारा है दोस्तों, देखो आप लोग तस्वीरें। तो चलते हैं दिखाते चल के आप सभी को अंदर। यह है दोस्तों मेरठ सेंट्रल, और देख सकते हैं यहाँ पर यह अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है। और अंडरग्राउंड ही स्टेशन होने वाला है दोस्तों RRTS का दोस्तों। देखो ये अंडरग्राउंड टनल का ही काम चल रहा है, देखो वो सामने। देखो ये मतलब एक लाइन तो यहाँ पर ये कवर्ड कर दी है दोस्तों। देखो ये सरिये लगे हुए हैं ना, देखो ये नीचे के ही सरिये हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये टनल बनाई जाती है। देखो टीम वो खड़ी हुई है, तस्वीरें देख सकते हो। और ये मेरठ सेंट्रल का ही नज़ारा है दोस्तों, जहाँ पर ये RRTS की टनल बनाई जा रही है, जो कि मेट्रो में मेरठ सेंट्रल के अंदर ही दोस्तों मेट्रो स्टेशन, तो RRTS का स्टेशन होगा एक अंडरग्राउंड। तो इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों को क्रेन मशीन और ये सारी ही देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, हैवी देख सकते हो आप लोग। और तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर यह आ गया फुटबॉल चौक। ये फुटबॉल चौक है, देखो तस्वीर आप लोग, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो आप सभी इंजॉय कीजिए।